हमारी संस्कृति में कहावत है, सदियों में कभी कभी एक महानायक पैदा होता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग अल्लाह का या ईश्वर का बंदा कहते हैं। और मैं समझता हूं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत इस राष्ट्र के एक ऐसे ही महानायक थे जिन्होंने युद्ध भी जीते और लोगों के दिल भी जीते। बारामूला से उनका नाता बचपन से रहा, उनके पिताजी भी यहीं तैनात थे, बड़ा पानी रखा और खुद भी उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की तरह यहां काम किया। बारामूला से उनका लगाव विशेष था। और एक बात आज मैं कहना चाहता हूं, ये उनके नाम से जो स्टेडियम आज आपके सामने आ रहा है, इसमें प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया, ये रहस्य मैं आज जरूर बताना चाहता हूं। हमारे कई आर्मी ऑफिसर भी चाहते थे, प्रशासन में भी कई साथी चाहते थे, लेकिन बारामूला की आवाम के कई लोगों ने मुझे मेल किया, चिट्ठी लिखी कि साहब इस स्टेडियम का नाम बिपिन रावत साहब के नाम से होना चाहिए। तो मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता कि ऐसे महान सपूत के नाम से ये लोकार्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जिस बारामूला को जनरल बिपिन रावत साहब ने हमेशा अपने दिल में बसा के रखा था, उस बारामूला के हर खिलाड़ी की धड़कन में, यहां के आम नागरिकों के सपनों में जनरल बिपिन रावत हमेशा अमर रहेंगे। मुझे याद है जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में था, मैं था वहां, कम से कम बारामूला के 15-17 लोगों से निजी तौर पर मेरी वहां भेंट हुई थी, असंख्य लोग यहां से गए थे। अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखें तो एक कुशल योद्धा थे, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट तो थे ही, मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक चिंतक भी थे जिनकी ख्वाहिशें आवाम की तरक्की से जुड़ी हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बारामूला के नौजवानों को नए सपने, नई आकांक्षाएं और उन्हें पूरा कराने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे अनेक लोग मुझे मिले जिनके सुनहरे भविष्य की रचना जनरल बिपिन रावत साहब ने अपने प्रवास के दौरान बारामूला में की थी। आज इस अवसर पर मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। बारामूला के सभी माताओं, बहनों, भाइयों से कहना चाहता हूं कि तरक्की और अमन के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध होकर, एक होकर, संकल्पित होकर हम सब जनरल बिपिन रावत साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए एंड आई एम श्योर दैट फॉर द कंट्री, फॉर द स्टेट ऑफ जेएनके, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट दैट स्टेडियम हैज बीन नेम्ड आफ्टर जनरल बिपिन रावत, हु नॉट ओनली कमांडेड 19 इन्फेंट्री डिवीजन बट हैज अ स्पेशल प्लेस इन हार्ट ऑफ पीपल। सर, नौजवानों के लिए मैसेज यही है दैट यू नो कश्मीर इज मूविंग अहेड, यू नो देर आर ब्राइट डेज and a very bright future ahead for the youth of Kashmir.